सुप्रभात दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरी आप सभी को। मेरा प्रणाम है और छोटों को जी भोरी आशीर्वाद। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। और आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग करी मैं वहीं से जहां से अक्सर करती हूं, मेन दरवाजे से। और टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं मेरे ख्याल से, 2:30 बजने के लिए 5 मिनट शेष है। और आज काजू तो सुबह ड्यूटी जा चुकी थी और जेठ जी और स्वामी जी जा रखे हैं बाजार की साइड थोड़ा कुछ काम से, और सासू माँ इधर लेटे हुए हैं, मतलब बैठे हुए हैं। आज शनिवार है, वो सिलेंडर वाले को देख रहे हैं मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म नहीं है। पर मैं खाना बना रही हूँ, लेट हो गया, 2:30 बज गया, मतलब ये आए नहीं, इनकी वजह से हमने लेट ही बनाया खाना। तो और हाँ, मम्मी और दीदी भी आ रहे हैं आज घर पे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया, ठीक है। ये मैंने प्याज काट के रखा है। और बूढ़ा बोलते हैं मुझे कि ऐसे क्या सजा सजा के रखते हो, कि पर मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि मतलब शेप में बना के ना। और ये मैंने पहले खुद के लिए बना लिया था खाना। ये मैंने कढ़ी बना रखी है, देखो थोड़ी सी दिख रही। और ये भात, और ये भी भात है, ये फिर दोबारा बनाया है। और ये सासू माँ की मूंगी है, और ये दोबारा दाल बनाई। वो क्या हुआ कि पहले हमने अपने लिए बना लिया था, मतलब मैंने अपने लिए बना लिया था, और फिर मम्मी और का फ़ोन आया। मम्मी और भी मार्केट की साइड आए, तो मम्मी और ने फ़ोन किया कि हम खाने के लिए घर आएंगे। फिर मैंने दोबारा दाल भात बनाई, और अब देखते हैं क्या होता है। मम्मी और पता नहीं, मम्मी और तो बोल रहे थे अंजलि गेस्ट हाउस पे पहुंच गए, अब देखते हैं कब तक आते हैं घर पे। और स्वामी जी और अभी रायपुर है, वो पता नहीं कब तक आएंगे। मैंने 12:30 बजे कॉल किया था, उन्होंने कहा था कि मैं आ गया, कि वहाँ से आने में तो आधा घंटा लगता है, और देखना 2.5 घंटे हो। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब वो आते हैं फिर उनसे मिलाती हूँ, ठीक है। और आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही, सुबह से क्यों, 2-3 दिन से मतलब मौसम खराब ही है, बारिश तो आज ही हो रही झुन करके। तो फिर अभी तो कोई भी नहीं आया, इंतजार ही कर रहे हैं हम। 2:30 बज गए, सासू माँ को भूख लग चुकी है, नहीं सब पाई लग करो, लग गई उन्हें भूख, वो कब से कब लाट हो रहा उन्हें भूख का। हाँ हाँ लग गई, देखना। तो फिर अभी आए नहीं, हम वेट ही कर रहे हैं इन लोगों का, पता नहीं कब तक आएंगे। दोस्तों फाइनली मम्मी और आ गए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहो। वह स्वामी जी बोल रहे थे मेरा चप्पल टूट रखा, ये कर रखा उन्होंने, देखना तार तोर मिला के, ये भी ना उल्टे उल्टे काम करते। ये देखो दोस्तों आ चुके हैं मेरा बूढ़ा सजन घर आए हैं, तीनों ही आ रहे हैं। तो मेरी दीदी कहाँ है, रामा, अच्छा जेठ जी और सास, मेरी माँ आ रहे हैं। हाँ अब जेठ जी को देख मुझे बड़ा डर लगता है, हैवी ड्राइवर है जेठ जी हमारे। चल ठीक, माज पढ़ना के तो ठीक है, कम बता का अच्छा तुम पैदल मिल बोला जो मैं तो बैठ कहा नहीं मिले कह ये दुनिया का कह। और दीदी और स्वामी जी तो अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहाँ ही होंगे, आ चुके हैं। तो दोस्तों माँ और जेठ जी तो आ गए, लेकिन स्वामी जी और दीदी अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। बारिश भी हो रही वैसे झड़झड़ झड़झड़ करके, तो फिर वेट करते हैं, जब आएंगे तो आपको दिखाएंगे। फिलहाल मैं खाना रख देती हूँ, अच्छा तो आऊँ बात करने जाए। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड आ चुके, मैं सामू तुम्हें आप बूढ़ा बात करनी चाहिए, मेरा बूढ़ा ही हाँ, मैं तो ही नहीं सुन तभी तो बोला। तो दीदी भी आ चुकी है, भल्लू बनी भल्लू अंडा बल पढ़ना ठीक है सुना के। तो दोस्तों बूढ़ा भी आ चुकी है, और अब मैं खाना रखती हूँ, और बूढ़ा मेरी हेल्प करेंगे, क्या बोलते हो, इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। तो मैं खाना रखती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ, ठीक है। खाना तो दोस्तों खाना खा जाओ, मैं माँ को देखे आ रही हूँ, सासू माँ को देखे। ना बस
तीन बार इन कुछ नहीं होता ना, कुछ होंगे ना, कुछ नहीं होंगे। मोटा बोल वीडियो बनाओ मिलिन बोल कि तुम लाठी जा सर तुम क्या कुछ बना चला वीडियो हां बट तुम क्या कुछ बना खड़ा बात आज मौका भी है दस्तूर भी है जाने बने मेरा मेरे के दिखाना है सब तो देख लेगी गुरु गुरु तो बोल दे तुम क्या यार आज तो तुम मत कियो ना छोड़ दोस्तों फाइनली खाना खुना हो चुका है, सबको मिल चुका है। अब हम खाना खा रहे हैं, आप लोग भी आइए प्लीज़ खाना खाइए। और हमारा खाना हो रहा है ठीक 3 बजे, तो आपको मिलते हैं खाना खाने के बाद, बर्तन घिसाई के बाद 10 बजे। क्या तो दोस्तों फाइनली मैंने चाय बना दी है और शाम के बज चुके हैं 5 और मेरी चाय देखो बन चुकी है। कितनी सारी चाय बनाई मैंने भर के, और अब मैं चाय रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। मोटो चाय बनाते हुए देखिए, और मोटो काफी गुस्सा है मुझसे, देख सकते हो आप चेहरे में। दो % की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है बंदा। बंदा नहीं पतिदेव, बंदा पतिदेव तो लोगों का मदद कर लोग जावे। मैं नहीं करो जाता हूं। हां तुम भी नहीं करते छे नहीं छूत गले पेटे करूंगा ए सुन क्या हो गया। सॉरी चिंता तुम तभी तुम अतारो से मैं मुझे भेजो तुम तब भी फर्क नहीं पड़ो। उन्होंने पढ़ता है मुझे। और मोटो चाय लेके आते हुए देख सकते हो आप, प्लीज मोटो आइए, आप आइए मोटो, प्लीज प्लीज मोटो आप आइए और सेवा का मौका दीजिए। अच्छा तुम तो बड़े लगन जबरदस्त गिलास में पूरा था। तो दोस्तों तो दीदी के लिए चाय ले आते हैं। मैम चाय भाई, मेरी चाय जादू है मेरे हाथों में। तो दोस्तों ये नमकीन ले जा रहे हैं, और उससे पहले देखना खुद सलका रहे कि पता नहीं क्या आदत है, जब तक खुद ना खाए देखना चम्मच भी डालो खून देख। तो हमारे जेठ जी चाय से पहले पानी पीना पसंद करते हैं, तो हम उनके लिए ले जा रहे हैं पानी। पानी और ये पानी सासू माँ के लिए, एक बार नहीं लेके गई मैं, भूल गई। और यहाँ चल रहे हैं महाभारत, लेकिन इन्हें पता नहीं महाभारत में कौन कौन है, बस देखना इन्हें चित्र देखना होता है उनके सरों में, इन्हें मुकट अच्छा लगता है बस। तो दोस्तों मुझे एक इंस्टा पे वीडियो आया है बनाने के लिए, तो मैं वो वीडियो बनाना चाहती हूँ, और अंधेरा से भी होने लग गया है उसका, शायद आज ही लास्ट डेट है। तो मैं सासू माँ से साड़ी मांगती हूँ, और मैं धोती पहनूंगी, फिर आपको तैयार होकर दिखाती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जैसे ही धोती पहन के तैयार हुई, इन लोगों का चलो 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 करके शुरू हो गए। देखना मैंने धोती पहन के तैयार हो गई थी, स्वेटर स्वेटर पहन के, क्योंकि ब्लाउज तो मेरे पे किसी का आना है नहीं, तो मैंने धोती पहन के, और ये देखना जाने के लिए तैयार हो गए। अब मैं कैसे बनाऊंगी वीडियो बताओ जरा। तो पानी जान जान पैदल भी नहीं तुम्हारे पास ना ना भेजी बस नहीं तुम थाली जान तो दोस्तों माँ और जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जाओ भाई। नाना बुने जब दो गुना मैदा टुकड़ा था नहीं, कोई बात नहीं होल, जब जल नहीं हो तो तब पकड़ दो में दाढ़ी पीड़ा भर फोड़ो नहीं होल भी बिन वो एक मात्र फोड़ो तब पर अन्नी होलो तो तब तब दोबारा दे दे ना रंदे काके जी रंदे बुने अरे काके जी अरे रंदे ड्रामा नहीं का है। दोनों समधन के बीच लड़ाई हो रही है, पता नहीं क्यों लड़ाई कर रहे हैं। मैं तो अग्नि गेयर खत्म, तो चलो लोग जा रहे हैं।
तो दोस्तों स्वामी जी जा रहे हैं छोड़ने के लिए और बारिश भी रुक गई, अच्छा हुआ इनकी किस्मत अच्छी है कि बारिश रुक गई, वरना तो दिक्कत ही दिक्कत आ गई थी मेरी बुड्ढी को। तो दोस्तों आशीर्वाद दे दीदी मुझे, चल ठीक माँ जी बनाऊंगे। बोलो बैठ माँ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, वो पकड़ी नहीं गाड़ी, जा अब बैठ वीडियो बना। अरे जा ना, हाँ जाओ, हाँ टाटा बैठ गई ना ढंग से, मत तू ऐसा बुआ तो पकड़ टाटा था पहले, बड़ा आराम चली जाए माँ तो पकड़ साथ ना माँ, मैं तो बोलूँगी टाटा ऊपर दी, अरे था पकड़ा। तो दोस्तों हम चलते हैं अंदर, मतलब रायपुर वाले। तो दोस्तों बड़ी आ रखा है रोटी खाने काफी दिन बाद, तो मैं बड़ी से करवाती हूँ, सिट 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 बड़ी सिट बड़ी सिट सिट सल्यूट सल्यूट बड़ी सल्यूट पहले सल्यूट सल्यूट पहले सल्यूट 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 नमस्ते 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 सल्यूट 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 कन पसंद आई है, चल 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 बैठ जा चल बैठ जा। तो दोस्तों काजू आ चुकी है और काजू खा रही है खाना, और क्या आप लोग भी खाने के साथ आम खाते हो? हमारी काजू मैम खाती हैं, कमेंट करके बताना आप लोग भी खाते हो कि नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, मतलब कल वाले ब्लॉग में या परसों वाले ब्लॉग में, कि मेरे थोड़े ब्लॉग आगे पीछे हो गए, मतलब से तो मतलब एक्स्ट्रा बन गए थे, तो वो ब्लॉग मतलब जेड जी वाले ब्लॉग अभी हमारे मेरे पास है एक दो, और मतलब जो इंटरव्यू वाला ब्लॉग था वो भी अभी मैंने अपलोड नहीं किया, और एक और है इसके बाद, तो तीन ब्लॉग है जिनमें जेड जी हैं। बाद में मतलब आप कंफ्यूज ना हो कि जेड जी तो चले गए फिर ये आ गए कैसा, तो मतलब कन्फ्यूज मत होना, जेड जी मतलब ये पहले के ब्लॉग है, ठीक है? तो आप मेरे साथ बने रहो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो सबने करना है जो भी हो। मेरा व्लॉग पूरा देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। दोस्तों मैं मिलूंगी आपको जल्द कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरा भी। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।